इस बार कपल थीम है और आप भी जो है यूएस में स्पॉट किए गए थे मयूर के साथ, क्या कहना चाहेंगे? कोई प्लान है बिग बॉस में जाने का? प्लान बिग बॉस में कौन नहीं जाना चाहता है मुझे बताइए, हर एक इंसान बिग बॉस में जाना चाहता है। बट ये कहना बहुत ही इस टाइम बहुत ही जल्दी है कि मैं जा रही हूँ या मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता। और बात रही मयूर वर्मा, हाँ हम लोग किसी काम से गए थे जहाँ पे हम दोनों सेम फ्रेम में होना चाहिए था, तो इसलिए हम लोग साथ में थे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। हम लोग अभी भी एक्स बॉयफ्रेंड ही हैं, बट ही इज़ माय वेरी गुड फ्रेंड, वो बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं मेरी बॉन्डिंग उसके साथ बहुत ही अच्छी है। तो आप मतलब फ्रेम में जैसे आपने कहा कि एक साथ दिखना था, तो कितने कम्फर्टेबल थे आप, क्योंकि वो आपका एक्स बॉयफ्रेंड है, तो इस बार कितने कम्फर्टेबल थे क्योंकि देश के बाहर भी है आप लोग? और एक्चुअली मैं आपको बोलूँ, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, मुझे ये नहीं है कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है या मेरा वो बॉयफ्रेंड है। जब मैं अपने काम पे होती हूँ तो मैं पूरी तरीके से अपने काम पे होती हूँ, पूरा मैं 100% देती हूँ, क्योंकि इसी काम सबसे बढ़ के है लाइफ में, काम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मुझे कुछ ऐसा कुछ अनकंफर्टेबल कुछ भी फील नहीं हुआ, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले से ज़्यादा अच्छा कर रही थी। और कहीं ना कहीं एक फ्रीडम होता है जब आप एक दूसरे को जानते हो तो एक बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता होती है या मुझे नहीं पता मुझे कैसे करना है, कभी कभी उसको नहीं पता होती थी, तो हम लोग एक दूसरे को गाइड करके एक दूसरे को बता के चीज़ें बहुत ईजिली कर लेते थे और बहुत मज़ा आया। और बहुत जल्द आप लोग हम दोनों को देखने वाले हैं बिग स्क्रीन पे। तो और इनफैक्ट मैं उसके साथ, ये मेरी तीसरी फिल्म उसके साथ है, तो आप ये भी देखिए ना कि एक एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मैं तीन तीन फिल्में साथ में कर रही हूँ। तो बट ठीक है, लाइफ में रिलेशनशिप तो होती रहती है, लोग आते रहते हैं चले जाते हैं, लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होती है कुछ चीज़ें बुरी होती है। बट मेरी लाइफ में मैं बोलूँगी कुछ बुरी चीज़ तो नहीं हुई उसके साथ, सब कुछ अच्छा ही हुआ। बट ठीक है, वी आर लाइक मैच्योर, हम लोग कोई छोटे बच्चे नहीं है, हमें पता है लाइफ किस तरीके से मूव ऑन करनी है और उस तरीके से हम लोग आगे बढ़े और चीज़ें हमारी चल रही हैं और बहुत अच्छा चल रहा है और होप्स कि सब ऐसा ही चलता रहे। तो क्या मौका मिलेगा तो आप दोनों कपल को एज अ कपल हम लोग बिग बॉस में देखेंगे इस बार, बिग बॉस 12? मौका मिला तो ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना मुझे नहीं करना, ऑफकोर्स मौका मिलेगा तो मैं पूरा 100% वहाँ पे भी दूंगी। और कहते हैं ना कि मैं जो भी काम करती हूँ, मैंने बोला आपको मैं मन से करती हूँ, तो मैं वहाँ पे भी वही चीज़ करूँगी इन केस ऐसा कुछ होता है तो। सो ऑफकोर्स जस्ट